नमो नुवै सौवर्यन्तानम् नमो नुवै सौसुदानम् नमो नुवै सौवायिर्यानम् नमो नुवै सौजायनम् नमो नुवै सौत्रिकालवति श्रावणम् ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिन कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गोकुमोमि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समर्पणाय सर विशुद्ध ज्ञान अधिकार 236 उसका भावार्थ भावार्थ है ना भावार्थ है भाई को तो क्या कहते हैं आत्मा में धर्म होता है तो क्या किस प्रकार से होता है आत्मा में अनंत काल से जो धर्म नहीं हुआ वो धर्म होता है किस प्रकार होता है तो कहते हैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है शुद्ध चैतन मूर्ति एक लोग ज्ञान का स्वभाव का पिंड है और सर्वशक्तियों का समूह पहला ज्ञान लिया तो इसे सर्वशक्तियां अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेत्व आनंद शांति विजय अनंत शक्ति का समूह रूप ऐसा जो आत्मा वो आत्मा कर्म शरीर राग द्वेष नहीं पर ऐसा आत्मा समझ में आया पूर्ण ज्ञान स्वरूप और सर्वशक्तियों का समूह ज्ञान दर्शन आनंद शांति अधिकारी वगैरह अनंत शक्ति का पिंड जो समूह अरूपी भगवान आत्मा उसे आत्मा में धारण कर रखना ऐसा आत्मा में आत्मा में फिर कर रखना उसका नाम धर्म जो ग्रहण करने लायक है वो ग्रहण किया जो आदरने लायक है वो आदर किया और छोड़ने लायक और छूट गया क्या क्या भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप और अनंत ज्ञान आदि शक्ति का समूह उसका अंतर में आत्मा आत्मा है उसे आत्मा में ऐसे आत्मा में स्थिर होना आया पुण्य पाप का शुभ शुभ जो भाव है उससे हटकर और कर्म आदि पदार्थ का लक्ष्य छोड़कर अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वरूप अनंत शक्ति का पिंड है ऐसे आत्मा आत्मा में धारण करना ऐसे उसमें लीन होना समझ में आते हैं सूक्ष्म बात है भाई की चीज में कोई धर्म नहीं है कहते हैं अपना स्वभाव है ज्ञान दर्शन आनंद अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व प्रभुत्व स्वतत्व ऐसी हम शक्तियां आत्मा में शक्ति नाम गुण गुण नाम स्वभाव स्वभाव नाम सत का सत्व भाव ऐसी अनंत भाव रूप पूर्ण ज्ञान रूप ऐसा एक आत्मा आत्मा में अंतर में निर्विकल दृष्टि स्थिरता द्वारा अंतर में रमना रहना वो सब ग्रहण करने लायक ग्रहण किया और उसमें एकाकार होकर रागादि छूट गया तो छूट गया छोड़ने लायक छूट गया न ग्रहण करने लायक रह गया समझ में आया पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समूह रूप ऐसा समूह रूप ऐसा आत्मा है उसे आत्मा में उसको अंतर में अपनी निर्मल पर्याय शक्ति का समूह जो पर्याय उसमें अंतर में एकाकार करना आत्म वस्तु में लीन होना वो ही धारण कर रखना अपने में धारण कर रखना यही जो कुछ त्यागने योग था उसको सबको त्याग दिया अपने में लीन हुआ तो त्याग योग राग आदि है छूट गया
समझ में आया? कौन छोड़े बाहर का तो चुटेला पड़ा है, वो अभी कहेगा बाहर का पदार्थ छूटा ही पड़ा है क्या उसकी आत्मा में? उसकी पर्याय में जो पुण्य पाप और राग द्वेष होता है अवस्था में, वो तर्प का अलग छोड़कर आत्मा ज्ञान और पूर्ण शक्ति का पिंड है, उसमें धारण कर अपने रखना, वो ग्रहण करने लायक को ग्रहण किया, छोड़ना छूट गया। समझ में आया? सूक्ष्म बात है, वितराग धर्म ऐसा है, बहुत सूक्ष्म है, कभी उसने किया नहीं। बाहर क्या क्रिया कांड करते हैं, कोई दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि तो सुधरा गए, धर्म नहीं, धर्म का कारण कारण नहीं। धर्म का कारण सदृश होता है, धर्म वितराग है तो उसका कारण वितरागता होती है। समझ में आया? अल्प शब्द में ज्ञान की पूर्णता लिया और सर्वशक्तियों जो परतर की लक्ष्य था उसको अपने में धारण किया, अपनी अवस्था को अपने में ले लिया, तो जो ग्रहण करने लायक आ गया और छूटने लायक छूट गया, उसका नाम आत्मा का आदर में धर्म कहते हैं। तो खुद भाई अकेली आप बाइडी छोकर अकेली छूट के करूंगी एम कहते हैं, तो छोटा ही पड़ा है क्या अंदर घुस गया आत्मा का, छोड़ी सकाई आवे छे हमें मना जा के की हाथ में छोड़ी सकाई नहीं एकदम राखी सकाई छे क्या छोड़ी सकाई नहीं इतना उसका अनुसार क्या राख सकते हैं? शरीर कर्म वस्तु पर को राख सकते हैं, आत्मा राख सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं, तो स्वतंत्र परद्रव्य है शरीर कर्म स्त्री कुटुंब परिवार तो स्वतंत्र पर वस्तु है, पर वस्तु को ग्रहण करना और छोड़ना आत्मा में है ही नहीं, वो तो अभी आएगा उससे ही अस्थाई है। समझ आया? पर अपनी सत्ता और अपने में क्या है उसको खबर नहीं, और मेरे में से क्या निकल जाते हैं वो क्या है वो निकल जाते हैं, क्या है वो निकल जाते हैं उसकी खबर नहीं। तो पहले ज्ञान में आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अनंत आनंद आदि शक्ति संपन्न है, और जो उसकी पर्याय में वर्तमान अवस्था में पुण्य पाप काम क्रोध शुभ अशुभ होता है तो विकार है, तो विकार का लक्ष्य रुचि छोड़कर अपना स्वभाव में स्थिर होना, वो जो कहीं आदरने लायक है वो आदर आ गया और उसमें लीन हुआ तो राग आदि छूट गया, छोड़ने लायक छूट गया, उसका नाम त्याग ग्रहण कहने में आता है। समझ में आया? अरे धर्म आओ भाओ बाहर की क्या रोटला रोटी छोड़ दे, चलो आठ में चौदह से रोटी छोड़ दे तो पास करना, रोटी छोड़ दूं ऐसा मिथ्या भाव अजीव का स्वामी होता है। वो करना कि आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है उसमें लीन होना तो राग छूट जाएगा, वो करना। नहीं आवे तुम को जो कुछ त्याग में योग था राग आदि जो है वो तो छूट गया, अपने आत्मा में अंतर्दृष्टि करके अपनी शक्तियों का समूह में थे हुआ त्याग में योग त्याग हो गया, स्वरूप में खीर जो ग्रहण करने लगा उसमें खीर हुआ त्याग, और ग्रहण करने योग जो कुछ था उसे ग्रहण किया, ग्रहण करने योग हो था अनंत आनंद आदि जो शक्तियां समूह पिंड है उसमें लीन होना ग्रहण किया। बराबर समझ में आया? माफी हो पड़ा मां बस आमिल कर दिया तो ठीक पड़े, 2000 करोड़ ठीक पड़े हैं यहाँ चौबियार करते हैं तो हार का त्याग, वो तुम मानते हैं कि मैं हार छोड़ा, वो दृष्टि तेरी जड़ का स्वामी बना हुआ मिथ्या दृष्टि बना हुआ, मैं हार छोड़ा वो आने वाला था ही नहीं, और मैं छोड़ा वो स्वामी होते हैं जड़ का एम कहते हैं। समझ में आया? हैं थी कहते हैं भगवान आत्मा
तुम प्रकाश पुंज पहले लिया समझ आया पुरनश संधारणम अनुमुक्तम मुक्तम अशेषम तथा दीम अशेषत छोड़वा छोड़ा लेना ही लिया एक आत्मन सर्वस्थ पूर्ण संधारण आत्मा भगवान आत्मा पहले उसको ज्ञान मां लेना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है और उसमें से क्या निकल जाते हैं और उसमें क्या है, क्या है और क्या निकल जाते हैं। तो शरीर भरी कर्म तो उसमें है ही नहीं और उसकी पर्याय में पुण्य पाप आदि विकार है वो तो निकल जाते हैं, कौन चीज उसकी नहीं सिद्ध हुआ तो या तो पुण्य पाप का विकल्प जो राग है उसे हटकर अपनी शक्ति का समूह भगवान आत्मा उसमें लीन होने से आदरने लायक ग्रहणने लायक हुआ ग्रहण हो गया। राग आदि का त्याग करना हो त्याग आई लीन हुआ तो राग त्याग हो गया, छूटने युग छूट गया लेने युग रह गया हम कहते हैं। अरे यार भाई थोड़ी सूखी बात में बिलो लिया है समझ में आया, दूसरी भाषा कहिए तो जो पुण्य पाप आदि विकार है और अपनी अवस्था में उसकी तरफ की रुचि थी वो मैं था ऐसा जो आदर विकार का था तो अंतर स्वभाव त्रिकाल विनायक है उसका अनादर था उसका ग्रहण नहीं था, उसका ग्रहण था स्वभाव का ग्रहण नहीं था, स्वभाव का त्याग था विकार का ग्रहण था। समझ में आया भगवान चैतन्य पुंज अनंत गुण का पिंड उसको छोड़कर वर्तमान अवस्था में दशा में जो पुण्य पाप का शुभ शुभ भाव है उसको ग्रहण किया तो वो मैं हूँ, तो त्रिकाल विनायक मूर्ति आत्मा उसको त्याग दिया उसका नाम धर्म है। समझ में आया और वस्तु का स्वभाव तर्क दृष्टि करके लीन होना तो आदरणीय योग हो आ गया छुटने छुट गया राधा दिया उसमें एकात्र होते नहीं। वस्तु दृष्टि करने से स्वभाव का आदर हो गया और विभाव का त्याग हो गया एम कहते हैं। समझ में आया चैतन्य वस्तु है कि नहीं तो पदार्थ है तो उसमें शक्तियां है कि नहीं उसका शक्ति गुण गुण तो अनंत गुण है एक समय में संख्या ही अनंत हो संख्या ही ज्ञान दर्शन आनंद तो संख्या ही अनंत गुण है ऐसा जो आत्मा उसमें दृष्टि करने से उसमें लीन होने से कोई जो आदरने लायक क्या और ग्रहण करने लायक आ गया और उसमें लीन हुआ तो राग आदि छूट गया तो ग्रहण करने लायक रह गया छूटने छूट गया जो कहीं छूटना था छूट गया लेने को ले गया दूसरा कुछ बची रही है नहीं। समझ में आया थोड़ो अच्छे नहीने कहो हिंदी में थोड़ो कहते चेतन विभाव से उलटी आप हिंदी बनासदास जब जब हिते चेतन विभाव से उलटी आप तुमका नो आई आई जब से चेतन जब हिते चेतन ओ बनासदास बनास विलास बनास दास हमेशा नाटक है वो कलश का अर्थ है। जब ही ते चेतन ज्ञान मूर्ति और अनुशक्ति का पिंड विभाव सो उलटी आपो विभाव नाम विकार परिणाम पुण्य पाप का है वो विभाव सो उल्टी उसे खसकर आपो सन आपो समय पाई अपनो स्वभाव गहिलीनो है अपना स्वभाव को अंदर में एकाकार हुआ और विकार सब हिते जो जो लेने योग जो सो सो सब लीनो सब हिते जो जो लेने योग सो सो सब लीनो जो जो त्याग योग सो सो सब चांदी दिनो है वो समझाई से खाए लेवे को न रही ओ थोर
अपना शुद्ध भगवान आत्मा परमानंद की मूर्ति में जो एकाकार हुआ तो लेवे के न रही था, कोई दूसरा स्थान लेने का रहा नहीं, वही स्वरूप था वो ग्रहण किया अंतर्दृष्टि में तो आ गया, वो दूसरा कोई स्थान लेने का रहा नहीं। समझ में आया, लेवे को न रही थो त्यागवे को नहीं और अने बीजों कोई त्यागवा रही नहीं, पची त्यागने कोई रहा नहीं, अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव में विभाव से उल्टी विभाव से उलट करके जो सन्मुख था विकार को सन्मुख था, इस दिमाग विकार को सन्मुख था तो स्वभाव को त्याग था, विभाव का धरण था, विभाव का सन्मुख था उसे उलट कर स्वभाव के सन्मुख होकर विभाव का त्याग किया, चैतन्य लीन हुआ। बहुत थोड़ा शब्द मां पर्याय बुद्धि मां की दृढ़ बुद्धि नु स्वरूप बताए थे, बात एम से मूल तो अनेक प्रकार बात करे ने। समझ में आया, बाकी कहां उबरो कार्य नवीन है, क्या कहते हैं बड़ी बीजो क्या है नवीन कार्य करना है, दूसरा नवीन कार्य क्या करना है, भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य के घर में अंतर प्रवेश किया तो लेने योग ले लिया, छूटने योग छूट गया, तो लेने योग नया रहा नहीं, छूटने योग कोई बार की रहा नहीं, बराबर है। संग त्यागी हवे आयु जो संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी, संघ का भी त्याग हुआ अंतर में एकाकार हुआ तो संघ का त्याग हुआ, अंग त्यागी शरीर का भी त्याग हुआ, वचन तरंग वचन का तरंग भी त्याग हुआ, मन त्यागी मन का भी त्याग हुआ। समझ आया, संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी, अंक बुद्धि त्यागी विकल्प है वो भी त्याग दिया, आपा शुद्ध किनो है, आपा शुद्ध किनो आपा आत्मा अंतर में एकाग्र होकर शुद्ध किया और ग्रहण करने लायक ग्रहण किया, ग्रहण करने लायक बाकी कोई रहा नहीं, और विभाग छूट गया तो छूटने के लायक कोई दूसरा रहा नहीं, वो समझा सक नहीं। अवसर मिलने पर जब से आत्मा ने विभाग परिणति छोड़कर नित स्वभाव ग्रहण किया तब से जो जो बातें उपाधि अर्थात ग्रहण करने योग की वे सब ग्रहण की, अंदर ज्ञान में शुद्ध चैतन्य मूर्ति में एकाकार हुआ तो ग्रहण किया, जो और जो जो बातें हे त्यागने योग थी वे सब छोड़ दी, ये तो भाषा नहीं, पर्याय बुद्धि थी और दृढ़ बुद्धि हो तो पर्याय बुद्धि छोड़ गई, दृढ़ बुद्धि हो गई। समझ में आया, आओ यहाँ यहाँ नजीक आओ नजीक, अब ग्रहण करने योग और त्यागने योग कुछ नहीं रह गया और न कुछ शेष रह गया जो नया काम करने की बाकी हो, यहाँ कहते देखो आत्मा आने दो नजीक आओ आओ नजीक आओ, समझ में आया, कहते हैं कि अपना चैतन्य शुद्ध आनंद स्वरूप उसमें जब लीन हुआ तो ग्रहण करने लायक को ग्रहण कर लिया और अंतर में जब लीन हुआ तो व्यवहार विकल्प आदि छूट गया, छूटने लायक कोई रहा नहीं, छूटने योग छूट गया, लेने को योग रहा नहीं, लेने रोग अब गया अंदर में। समझ में आया, सूक्ष्म बात है, यात्रा बात्रा में बहुत फैल है सर, ऊपर चढ़ना शुभ रहा है। वो शुभ राग है पुण्य, आ तो धर्म की बात करती है कि अपना आत्मा ज्ञान चैतन्य मूर्ति और अनंत शक्ति का पिंड है, तो कहते हैं कि अपना स्वभाव में जो एकाकार होते हैं अंतर में
तो जो आदरणीय लायक है, जो ग्रहण लायक है, जो है उसको ग्रहण कर लिया, लीन हो आते। और जो पुण्य पाप का विभाग भाव था वो स्वभाव में लीन होकर छूट गया, तो छूटने लायक छूट गया, छूटने का और रहा नहीं। लेने को योग रह ले लिया, लेने का दूसरा रहा नहीं, लेने का कुछ रही नहीं। आम से सर मुझे तो परिग्रह क्यों, जैसे जो नया काम करने की बाकी हो, कहीं बाकी रहा नहीं, अंतर में ज्ञानानंद चैतन्य शुद्ध में रह गए, तो जो ग्रहण करने का कार्य हो गया, राग छूटने का कार्य हो गया, कुछ नया कार्य करने का रहा, वो अंतर में आनंद में लीन होना वो कार्य करना है। परिग्रह छोड़ दिया जब, ठीक, अंतर ज्ञानानंद स्वरूप में लीन हुआ तो परिग्रह भी रहा नहीं क्या, शरीर छोड़ दिया, अंग छोड़ दिया, शरीर भी छूट गया, वचन की क्रिया से रहित हुआ, अंदर ज्ञानानंद में रहते क्रिया भी रही, वचन की रही नहीं, मन के विकल्प त्याग दिए, इंद्रिय जनित ज्ञान छोड़ दिया, बोले बुद्धि की जिन्हें बुद्धि नोट किया, इंद्रिय जनित जो पांच इंद्रिय से ज्ञान होता है, स्वभाव का अतिद्रिय ज्ञान में लीन होने से इंद्रिय जनित ज्ञान भी छूट गया, आत्मा को शुद्ध किया। जो मनासी दास है समय का नाटक सुना है, नहीं सुना, समय सन्नाटक वो उसमें से कहते हैं, सबको त्याग जाओ, ग्रहण करने को कुछ था ग्रहण किया, वही कृत करता है। देखो तो शरीर में हो, वाणी वाणी में रहो, मन मन में रहो, और अपना आत्मा अनंत गुण का पिंड है, उसमें आत्मा दृष्टि किया तो अपने में रहा, विकार छूट गया, पर छूट गया, पर मैं ऐसे नहीं, जो कार्य अपना स्वभाव में था करने का हो गया, कोई कार्य नया करने का रहा नहीं, ये कार्य करना है, समझ में आया। बस ऐसे ज्ञान को देह नहीं समझ लेते हैं, ऐसा ज्ञान भगवान आत्मा अदेह नहीं, अदेह उसको है ही नहीं, आत्मा की जड़ है, ऐसे ज्ञान को देह नहीं। इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं, लो बस सावित्री से ना श्लोक, व्यतिरिक्तं परद्रव्यात् एवं ज्ञानं अवसितं कथं मारकं तस्य आदेन्देवो अस्य संकते। पुस्तक जो पुस्तक है ये थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, हिंदी नहीं, नहीं समझते वो हम दो नहीं खा करते हम भाई पढ़ते हैं, कहीं सुनो सुनो देखो, इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से ज्ञान परद्रव्य से पृथक अवस्थित हुआ। क्या कहते हैं, ज्ञान शब्द आत्मा अपना चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, श्रद्धा स्वरूप, शांति स्वरूप, ऐसा जो आत्मा वितराग स्वरूप है, उसमें परद्रव्य से पृथक करके, शरीर वाणी मन से पृथक करके अवस्थित निश्चल हुआ, अपने में ज्ञानानंद में स्थिर हुआ वो आत्मा, उसका नाम धर्म, उसका नाम मोक्ष का मार्ग, वह ज्ञान अहरा कैसे हो सकता है। अब कहते हैं ऐसा भगवान ज्ञान मूर्ति प्रभु वो आहार को ग्रहण करे कैसे हो सकता है, जड़ को ग्रहण करे कैसे हो सकता है। हम कहते हैं आया शरीर को शरीर नहीं अंकित करना है, जो आहार है आहार का परमाणु है, कर्म का और नौ कर्म का, कर्म का आठ कर्म का परमाणु है, नौ कर्म आहार आदि है, उसको ग्रहण करना आत्मा में है ही नहीं। समझ आया, भगवान चैतन्य स्वरूप उसको आहारक नहीं, आहार नहीं, तो शरीर कैसे हुआ, तो शरीर कहां से आया, उसको शरीर नहीं तो शरीर का लिंग कहां से आया आत्मा में, एम कहते हैं शरीर में। समझ में आया, लिंग सुधि ले जाना है, हाँ देश के शरीर का है ना नग्न प्रणाम, वो आत्मा को नहीं, एम कहते हैं। अच्छी नींद आता है ना,
ज्ञान इसलिए भगवान आत्मा, अरूपी चैतन घन आत्मा ऐसा अंतर में एकाकार होकर परद्रव्य से पृथक निश्चल हुआ, शरीर आदि से पृथक भिन्न अपने में निश्चल हुआ ऐसा भगवान आत्मा कर्म नो कर्म वार करने वाला कैसे हो सकता है? भाषा देरी कठ होना है। ऐसा आत्मा कर्म को ग्रहण करे ऐसा होता ही नहीं, हम कहते हैं कर्म को ग्रहण करने ये आत्मा में है ही नहीं। शास्त्र गणा से विकल्प हो तो निमित कौन था उसकी बात है। आत्मा कर्म को ग्रहण करते नहीं, कर्म को छोड़, कर्म तो परद्रव्य है, परद्रव्य को क्या आत्मा ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं? परद्रव्य तो रहित है। आत्मा जिसको कहते हैं वो तो ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु है, तो वो आत्मा कर्म और शरीर को ग्रहण कैसे करे? रूपी भगवान आत्मा रूपी कैसे आ जाए एम कहते हैं। वो तो उसकी स्थान में है, शरीर शरीर में आत्मा आत्मा ग्रहण किया ही नहीं। शरीर को आत्मा ग्रहण किया ही नहीं हम कहते हैं, क्या ग्रहण करे? ये तो चैतन्य मूर्ति है, रजकम जड़ और रूपी है, उसके स्थान में वो है। आत्मा क्या पकड़ लिया उसने? आत्मा इस शरीर को पकड़ा है? बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं अज्ञानी मानते हैं कि मैं शरीर पकड़ा है, मैं कर्म ग्रहण करता हूँ। कर्म तो रजकम जड़ है, शरीर जड़ है, किसका ग्रहण करे? यह तो उसके पास आत्मक है। समझ में आया? आत्मक तो ज्ञान का अवयव है, तो ज्ञान का अवयव क्या शरीर को ग्रहण करे? समझ में आया? आत्मा को आ रहे नहीं हम कहते हैं, कौन खाते हैं आप पीते हैं हम कहते हैं। छोकरा ने पूछे क्यों खा दू, बोले बोले अविनाश के कौन खाए थे कि नहीं करता आसरी सर, बोले बोले नहीं के कौन खाए थे तो ना बोलो, मैंने बोलता मुझे कौन खाए थे कि तू खाई नहीं आयो, क्या खा कर आया? रोटो रोटली ने रोट लो दिखा कोने का तू शरीर तो शरीर खाते नहीं, आत्मा ही खाते नहीं, आत्मा खाते नहीं, खाते सुनते खाता उनका क्या अर्थ? समझ में आया? वो मानस धक्का खाया नहीं कहते, धक्का खाते हैं धक्का मारते हैं, तो धक्का क्या खाया? खाया क्या नहीं, धक्का खाया कहते हैं, गाली खाया कहते हैं, उसने गाली खाया नहीं, बगासा खाया कहते हैं, बगासू खाया, बगासू खाया सबको खा दो, सबको ऊंचा ओलंबा दिया, ओलंबा खाया तो क्या खाता है? सुखा खाया चीज मतलब फेर मारे इतने नीचे फेस आती है ना शरीर को, पत्थर है तो उसको शेषवादी भाई हमारे हमने शेषवाई के कोई खाए थे उसका ही तो भाषा है, खाए कौन? अरे बात भाई हाथों लिए पानी पीना, जल लेना, आर लेना, चार लेना, दूध लेना, भैया क्या है? भगवान ना पाड़ते हैं, भगवान कहते को जड़ रजकण है, स्वतंत्र जगत की चीज है, उसको आत्मा ले सके छोड़ सकते आत्मा में है ही नहीं। अज्ञान ये मान रखा है कि मैं आर लेता हूँ, मैं आर छोड़ता हूँ, तो मिथ्या दृष्टि मुंड है, आत्मा की शक्ति की उसको खबर नहीं। आई तो क्या कहते हैं कर्म नो आहार नहीं, क्या मतलब सौ प्रकार से ना अमनुष्य लिखा बोले महाविष्णु प्रवचन साधना लक्ष्मण सुना आना लक्ष्मण क्या कहने सब प्रकार नार में लक्ष्मण क्या सर सब प्रकार नार से ना सब प्रकार अत्ता आमानती आमानती गुजरात में से बरोतन साना सर कर्म आहार कर्म समझते हैं? आठ कर्म है कि नहीं? अष्ट कर्म है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी
तो यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा चैतन तो अरूपी है और कर्म तो रूपी जड़ है, तो जड़ को आत्मा ग्रहण करे कैसे हो सकते हैं? कर्म तो कर्म के कारण से रहा है, आया है, अपने कारण से आया ही नहीं। हम कहते हैं अज्ञान पना किया तो निमित है तो कर्म हराया, तो अज्ञान तो निमित हुआ पर अज्ञान ने कर्म ग्रहण किया ऐसा तो है ही नहीं। नहीं तो आत्मा का ज्ञान की बात है कि आत्मा ज्ञान अनंत चैतन्य शुद्ध है ऐसा भान हुआ तो आत्मा कर्म को ग्रहण करे ऐसा आया कहां से? कर्म का आर है ही नहीं, कर्म का ग्रहण करना आत्मा में है ही नहीं। हम कहते हैं समझ में आया, कर्म का हार ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मोहनी आयुष मंत्राय नाम का आदि गोत्र आठ कर्म है। भाई तो भगवान कहते भाई तुम तो चैतन्य मूर्ति प्रभु है ने, ते तेरा स्वरूप का भान न होकर अज्ञान किया तो अज्ञान का तो निमित्त हुआ न कर्म का आना तो कर्म के कारण से है, तो कर्म का आने में वो अज्ञान निमित्त है पर अज्ञान ने कर्म को ग्रहण किया नहीं, तो आई तो ज्ञान की बात चलती है। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, श्री चैतन्य हूँ ऐसा भान में कर्म का ग्रहण आया कहाँ से? धर्मी को आत्मा का भान उसको कर्म का ग्रहण होता नहीं, हम कहते हैं। अरे यार भाई भाई समझ में आया, कर्म का हार नहीं, हार नहीं नाम ग्रहण करना नहीं। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसी दृष्टि हुई और अपना विनायक भाव का भान हुआ तो के आत्मा क्या कर्म ग्रहण करने में निमित्त होता है? ग्रहण करने में निमित्त होता है कि ना? एम कहते हैं समझ में आया, कर्म ग्रहण कर्म तो जड़ है तो जड़ का आना जाना आत्मा का अधिकार है ही नहीं, पर आत्मा जो आत्मा का स्वरूप का व्यवधान और ज्ञान में पर में सुख है ऐसी दृष्टि बुद्धि थी तब लग वो बुद्धि कर्म आने में निमित्त थी, निमित्त थी। कर्म तो कर्म के कारण से आता है, आए तो क्या निमित्त बना उड़ गया है। मैं चिदानंद ज्ञानानंद अनंत शक्ति का पिंड हूँ ऐसा जहां दृष्टि हुई तो कैसे है कि कर्म आने के निमित्त था वो भी गया तो कर्म का हाल उसको कैसे है? हम जान खाए आज सवार खाना पीना कहते का हार नहीं आत्मा को। भाई हार तो जड़ में है, हार का अर्थ हो परमाणु आते हैं जाते हैं जड़ की दशा है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो रूपी है, आत्मा क्या रत्न को ग्रहण करे? अज्ञान में भी अब ग्रहण नहीं करते है वो पीछे कहेगा गाथा में समझ में आया। तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ऐसा जब भान हुआ तो उसको आर करने में निमित्त था वो या नहीं? तो उसको आर है कर्म है नहीं, कर्म है शरीर भी है, शरीर है नहीं कर्म है नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया, कब अब आचार्य कहते हैं अनादि से, अनादि से पढ़ा क्या भान हुआ उसके ये समय बात ज्ञान में निमित्त था कर्म ग्रहण में, तो निमित्त भी नहीं हुआ अर्जुना है। मैं तो ज्ञान चिदानंद स्वरूप हूँ, शुद्ध आनंद मूर्ति में आत्मा हूँ ऐसा जब ज्ञान में आनंद का भान हुआ तो कहते हैं कि कर्म ग्रहण तो करते नहीं पर कर्म ग्रहण उसके कारण हो उसमें निमित्त पड़ा भी आत्मा में नहीं। समझ में आया? अरे ये नहीं बात भाई, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मेहनी मोदनी नाम बांधे आम बांधे नाम आवे नाम बांधे बध उल्ला दीदू। भगवान आत्मा तू तो अपना स्वरूप का भान नहीं था तब राज आदि था तो राग के कारण निमित्त पड़े वो कर्म का कर्म तो पड़ाना वो निमित्त संबंध था पर आत्मा का भान हुआ तो अंतर में रागे नहीं स्वरूप को ग्रहण करके रिहा राग छूट गया ऐसे आत्मा में कर्म ग्रहण का निमित्त नहीं तो आत्मा ग्रहण करे कर्म और शरीर बने ऐसा होता? आत्मा में शरीर नहीं अभी एम कहते हैं, आत्मा में शरीर है एक वस्तु में दूसरी वस्तु है
एक वस्तु दूसरी वस्तु का अभाव है। समझ में आया? अंगुली है तो उसमें अंगुली का तो अभाव है, अंगुली में अंगुली है नहीं, ऐसे आत्मा में शरीर है नहीं, शरीर में आत्मा है नहीं, दो भिन्न है। वस्तु पण एवी छे ने, एसी विचार करे मनन करे के ने उसको बेच दे, कहा चैतन वस्तु ज्ञान आनंद अनंत शक्ति का पिंड प्रभु, उसमें कर्म का रजकण का पुतला क्या उसमें है, तो अभाव है उसमें तो। समझ में आया? तो पैसा ने लक्ष्मीबाई शुक्र क्या रह गया, तो भिन्न है उनके काम से रहा, आई कैसे कर्म कर्म के काम से है, आत्मा में है ही नहीं कर्म है ना, आठवें कर्म नहीं नो कर्म, ये आत्मा में नो कर्म नाम समझाई, वाणी शरीर आदि है ही नहीं, मन आत्मा ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति ऐसा अंतर्ग्रहण हुआ और राग आदि का क्या अभाव हुआ, तो पीछे कैसे कि नो कर्म कहां से आया, शरीर नो कर्म है वो है ही नहीं उसमें। समझ में आया? कबड़ा हार कबाड़ा कहते हैं, कबल खाते हैं ना, कबल आत्मा कबड़ा है नहीं आत्मा में, हम कहते हैं तीर्थन तौर को तो होता ही नहीं, निमित रूपे भी आई तो आत्मा में कबलार नियम कहते हैं। जब वितराग हुआ सर्वज्ञ परमेश्वर हुआ उसको तो कबल हार का निमित भी नहीं रहा। समझ में आया? पर यहाँ तो आत्मा, यहाँ आत्मा का भान हुआ तो कबल हार तो जड़ है, जड़ आत्मा में है ही नहीं, तो कबल हार आत्मा नहीं कहता है। हवार उठे चाह जोई दूध जोई, चाह पीते हैं दूध पीते हैं सवेरे पीते हैं कि नहीं, बना पाते हैं चाह पी जाता हूँ यही नहीं। तत्वों की दृष्टि की खबर नहीं तो क्या है न क्या होता है उसकी खबर नहीं कहते, वो तो दूध ने चाह तो रजकण है जड़ पुद्गल है, तो पुद्गल का आना जाना पुद्गल के काम से है, अपने काम से है। समझ में आया? कहते हैं कि कवलार नहीं, आत्मा में कवलार है ही नहीं, भगवान चैतन्य मूर्ति जिसको राग है तो कवल आरने में राग निमित्त प्रत्यय में आता है, पर आई तो राग का भी स्वभाव में अभाव ऐसा आत्मा की दृष्टि हुई तो कवल आर उसमें निमित्त पड़े पर रहा, थोड़ा बिन रह गई बिन बिन परख मात्र आहार चौथा आप है ना, वृक्ष होते हैं वृक्ष, वृक्ष को लेप पानी लगता है ना स्पर्श में, ऐसा भी आर आत्मा में नहीं, लेप आहार ओज आहार जैसे पंखी ना हो, पंखी पंखी होता है ना, पंखी अपनी पंख होती है ना नीचे, बच्चा को ओज आते हैं पंखी नीचे बच्चा को आर आते हैं, ओज आहार कहते हैं उसको, अथवा जन्म चाहे पहले पहले ओज आता है नहीं मरण का है, ओज कहते हैं ओज निकल गया, वो मृत्यु होता है ना निकली हम कहते हैं, पर पहले वो लिया था पर वो आत्मा में है ही नहीं हम कहते हैं, तो वो तो जड़ है आत्मा चैतन्य है। समझ में आया? चैतन्य में ओजार है ही नहीं, समझ आया? हाँ ओजार जैन इंडानो के लुप्त डॉक्टर इंडानो डॉक्टर मैंने मानसिक आहार देवो नो, ये देवो ने मानसिक आहार होते है देवो को, मानसिक आहार है वो आत्मा में है ही नहीं कहते हैं। वो इच्छा भी आत्मा में नहीं, पीछे आहार कहां से आया हम कहते हैं आत्मा में। समझ में आया? हाँ तो तात्विक दृष्टि की धर्म की बात है, तो आत्मा जो चैतन्य मूर्ति आनंद कंद है सचिदानंद स्वरूप है ऐसा भान हुआ
तो कहते हैं कि वो मानसिक आहार है स्वर्ग को। स्वर्ग ने जो 33 साल का आयुष है तो 33 समझ में आया, 33 पखवाड़ी आहार की इच्छा होती है। 33 पखवाड़ी है, पखवाड़िया समझते हैं पक्ष, साढ़ा 12 वर्ष कितना किया, 11.5 वर्ष तेतरी पखवाड़िया, 11.5 वर्ष क्या नहीं पक पक हरा तेती महीना, हरा हो महीना, हरा हो महीने, स्वास्थ्य सिद्ध का अधिक 16.5 महीने मानसिक कर लेते हैं, 16.5 महीने तेतरी पखवाड़िया। पर आत्मा में है ही नहीं, हम कहते हो तो उसके काम से आते जाते आत्मा नहीं लेते। आत्मा आत्मा लखन शास्त्र में 6 प्रकार का दूध आ देते, ये तो जड़ है, जड़ आत्मा में है क्या? हाँ हाँ, निमित्त संबंध भी उड़ गया। भगवान आत्मा तो पहले किया ने कि शुद्ध चैतन अनंत गुण का पिंड प्रभु है, उसमें जहाँ लीन हुआ तो जो ग्रहण करने लायक किया और ग्रहण हो गया सब, और विकार उसमें आया नहीं तो विकार छूट गया, छूट गया हो छोड़ने लायक छूट गई, लेने को रह गया, कार्य नवीन रहा नहीं तो हार लेने का कार्य कहां से आया नया, एम कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म बात भाई पड़े मानो पाखोली हार कौन करते है तेरी खबर नहीं, ये तो रजकन उसके काम से है, आते हैं उसके काम से है, जाते हैं तो नहीं कहने में आते हैं। अपने कहते हैं नहीं गुजरात में कठे कि दाना दिख खाने का नाम है, तुम्हारा भी होगा कोई हिंदी नाम, ओ बस वो ठीक है, ये हमारे काश्यों में कहते हैं उसका क्या अर्थ है, दाने दाने खाने का नाम लिखा उसका अर्थ क्या, कि जो दाना आने वाला है वो आएगा, छूटने वाला छूट गया, आत्मा लाने का नहीं आत्मा नहीं दे सकते, एम कहते हैं। समझे भैया, थोड़ा कहने का ऐसा बनाओ ऐसा बना, जो रजकण आने वाला है आने वाला वो आएगा, उसे नाम है, नाम का अर्थ वो आएगा, खाने वाले का दान दाना ऊपर नाम है, एम कहते हैं ना, वो कहते हैं आचार। वो तो रजकन जो आने वाला है उस आते हैं, आत्मा के कान से नहीं, आत्मा उसको लेते नहीं। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप चैतन मूर्ति में जहाँ ग्रहण लिया, आत्मा आत्मा में लीन हुआ, तो कहते हैं कि ग्रहण करना क्या बाकी रहा, केवल आहार ग्रहण करे, वो तो वो काम से आते जानते हैं, ग्रहण करते नहीं नहीं। अरे बात ज्ञान परद्रव के प्रसक निश्चय हुआ, आहार कर्म नो कर्म आहार करने वाला कैसे हो सकता है? भगवान आत्मा को शरीर ने कर्म है कौन कहते हैं, एम कहते हैं पाचा, शरीर शरीर के रहा, शरीर शरीर रूप से रहा, कर्म कर्म रूप से रहा, कर्म का आत्मा रूप से रहा, और आत्मा क्या कर्म रूप होकर रहा, समझ में आया? भगवान रूपी चैतन वस्तु कर्म हो चाहे कर्म ले जाए चाहे आज तुम का यू तुम संसार कर्म ले जाए चाहे लो अजी कर्म नहीं ले, पर कर्म आत्मा में है ही नहीं, आत्मा तो कर्म से रहित है, आत्मा अपना स्वरूप से है पर स्वरूप से नहीं है, पर स्वरूप से अपने स्वरूप, अपने स्वरूप से ऐसा पर स्वरूप से हो तो दो एक हो जाए, बराबर है। चैतन चैतन स्वरूप से रहे और चैतन जड़ स्वरूप से रहे, दो एक हो जाए, चैतन चैतन स्वरूप से है जड़ स्वरूप से नहीं है। अरे पर कभी सुना नहीं विचार नहीं किया, समझ में आया? आप कहते हैं को फूट आत्मा पार सकते नहीं, हम कहते हैं हम कहते हैं
मन फोटा भी पड़ते हैं, वो सामा शरीर का फोटा नहीं आता। सुनो, समझ में आया? शरीर है सामने, शरीर शाम को उसमें से नहीं आता। वो क्या रजगण है ना, रजगण परमाणु, परमाणु में आकृति क्या हो जाती है, वो परमाणु की आकृति क्या से नहीं आती है, क्या से जो आवे 100 200 500 लेते हैं जीरण से लिया हो जाए। जी यार बराबर, समझ में आया? फूटा वाला वो फूटा ले सकते नहीं, उन्हों आता है ऊपर से आता नहीं, शरीर में से आता नहीं, एम कहते हैं। समझ में आता है भैया? क्या आप सीन क्या अफ्रीका में, अफ्रीका में बहुत सीन होता है ना, 200 200 सीन साथ में बहुत सीन होता है, और बड़ी मोटर होती है 5 लाख की बड़ी, और लेकर जाते हैं फिल्म फाड़ने को, बेचारे बहुत काट है और लोहा का ऐसा लेकर जाए तो 200 200 सीन नाना छोटा एकदम फिल्म फिल्म, तो उसमें से बहुत आते हैं, तो त्या से जो रच कमा चाहते हैं वो शरीर जीर्ण हो जाए। फिल्म में तो बहुत आते हैं कि नहीं, नाना मोटा कुत्ते हैं ऐसा 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 फटफट फट, एक दो तीन चार हजार 5000 10000 ऐसा हो जाए, तो ऐसा ऐसा रजकण की दशा, परमाणुओं की दशा, आकृति की दशा जो पड़ती है वो त्या से आ रहे, तो त्या का शरीर छोटा है तो जीर्ण हो जाए, ऐसे नहीं आ रहे तो त्या का रजकण यहाँ आते नहीं, हम कहते हैं यहाँ का रजकण वो फुटार हो जाता है, वो फुटार हो जाने में आत्मा ग्रहण करने में लायक नहीं, हम कहते हैं। दुनिया से दूसरी बात है, अब वितराग की बात है, है? सात्विक बात है, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर उसकी बात है भाई। हाँ हाँ, पतला शरीर हो समझे, हमारे पतला में कौन से भाई तो ना अपन प्रेम तुम 1000 2000 छोटा पड़े जीर्ण थी आता रजकनिया पर है ना परमाणु, क्या आकृति हो जाती है, तो वो आकृति आत्मा नहीं कर सकते हम कहते हैं, संचार नहीं कर सकते हैं, ये रजकण की पीढ़िया है उसने आकृति किया है हम कहते हैं। समझ में आया? ग्रहण नहीं करते हैं, आई ग्रहण कर्म नहीं करते, नौ कर्म ग्रहण नहीं करते, उसका आया ना वो सब नौ कर्म है ना, फोटा आधी भंजाने पे काली कहते हैं कुछ अंदर ना की पाना पड़ते हैं, साफ खाना, साफ खाना में, साफ खाना में होता पेंटिंग, वो परमाणु के कारण से होता है, आत्मा उसको कर सकते नहीं, हम कहते हैं कि भाई दशा लाभ से नहीं उपग्रत साथ में आया। आत्मा भगवान तो अपनी सीमा में रहते, आत्मा अपनी सीमा, सीमा ना मर्यादा, अपनी मर्यादा में है, क्या अपनी मर्यादा छोड़कर जड़ की मर्यादा में घुस जाते हैं? समझ में आया? आत्मा अपना स्वरूप चिदानंद भगवान उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसका है और विकार उसका नहीं तो छूट जाते हैं, पर उस आत्मा आहार को ग्रहण करे और परमाणु को ग्रहण करे और ऐसा आत्मा में है। समझ में आया? कैसे हो सकता है कि जिसके जिससे उसके देह की शंका हो सके, क्यों कहते? अरे भगवान ना आत्मा ने देह ही शंका क्यों हो कहते? समझ में आया? भगवान आत्मा चिदानंद स्वरूप, उसको देह शंका क्यों होती है? शंका करने की चीज क्या है? देह तो आत्मा की है ही नहीं, ये तो देह की है, आत्मा भिन्न है, आत्मा को देह शंका क्यों होती है कहते हैं? आहार कर सकते नहीं, आहार ले सकते नहीं, तो आहार का पिंड शरीर है, तो आहार ले सकते नहीं, तो आहार आत्मा का है, शंका क्यों होती है तेरे? एम कहते हैं ऐसा शरीर मेरा है, तो जड़ का है, माटी का है, पिंड का है, धूल का, ऐसे निकलते निकल जाते हैं, आत्मा एक ला पड़ा रहते हैं। वो तेरी चीज हो, तेरे से छुट्टी जुड़ी क्यों पड़े, जुड़ी क्यों पड़े, जुड़ी थी जुड़ी रही पड़ गई,
आत्मा तो शरीर है, शंका जो होती है हम कहते हैं यहाँ अब ऐडी ठुकरा से पैसा से तो कहीं रही हूँ और शरीर से ही शंका केम तो नेताई के पना भाई साहब नजीक नु नजीक ऐसा आया है बराबर शरीर ऐसा है भगवान वो तो परमाणु का पिंड है, अजीव रजकण का पिंड है, वो सब रजकण के कारण से रहा है, अपने कारण से रहा नहीं, वो अपना रूप लेकर रहा है, आत्मा का रूप लेकर रहा नहीं, आत्मा अपना रूप लेकर रहा है, आत्मा ये रजकण का रूप लेकर रहा, आत्मा नहीं कहते हैं। तत्व की बात है, सातवीं को लोक में चलती नहीं, बार गड़बड़ 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 कर धर्म हो जाए, तत्व की तो खबर नहीं धर्म कहां से हो गए, समझ में आया। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ एम कहते हैं, पर तो सादी भाषा से कहते हैं, देखो भगवान चैतन्य मूर्ति प्रभु उसको आहार का लेने में निमित्तपना नहीं, तो आहार आयान लिया में है कहाँ, एम कहते हैं भगवान आत्मा तो अनारक आनंद स्वरूप है। समझ में आया, दृष्टि को बदल दे एम कहते हैं, शरीर मेरा है दृष्टि छोड़ दे, शंका न कर, निशंक था मेरी चीज में शरीर नहीं, शरीर में गृहा नहीं और शरीर मेरे में मेरे रूप से नहीं, शरीर शरीर रूप से रहा है, मेरे में शरीर नहीं, तो मैं शरीर की रक्षा करूं और शरीर छोड़ूं ऐसा ही नहीं। वो आतो संतारे जीवित लाया चेल्ले समझाए, लिंग ने संतारो चेलो जने के संतारो छोड़ो नहीं, आ चेली रखो छे ना आखिर नहीं। हाँ मैं आया, कुंकुंदाचार अपनी भी बात उसने करते थे कि हमारे दे है तो दे छोड़ना नहीं, दे हमारा है ही नहीं, भाई संसार वक्त दे छोड़ना छोड़ो हम कहते हैं कि नहीं, संसार समझते आखिर की समाधि संलेखना कर दे छोड़ अपना है नहीं छोड़ना क्या कहते समझे, क्यों कि भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप की संभाव के स्थिर होना रहा तो राग था तो छूट गया, छूटने लायक छूट गया, अरे छोड़ने लायक शरीर का रहा एम कहते हैं हाँ, तो पेली स्थिति ना लिंग अने देह संसार वाली से ये स्थिति बता दीजिए समझे, कि हमारे लिंग छोड़ना है, लिंग हमारा है ही नहीं किसको छोड़े, देह हमारा नहीं दी किसको छोड़े, तो देह तो देह के काम से रहा है, हम तो हमारा आत्मा में है, हमारा आत्मा में है तो जो राग का छोड़ छोड़ना छूट गया, लेने ले गया, अरे क्या करना है नया, समझ में आया। सात तत्व है कि नहीं, जीव अजीव आश्रव बंध समर इजरा और मोक्ष है ना, सात तत्व है ना, तत्व आश्रद्धान संबंध, तो कहते हैं आ शरीर वो तो अजीव है, तो आत्मा तो जीव विनायक है, तो विनायक में अजीव कहां से आया, विनायक में अजीव है ही नहीं, तो नजीक में जी तो सदर है, उसमें शरीर है, धर्मास्थि एक धर्मास्थि आकाश काल सब है यहाँ, ओ तो आत्मा में क्या है, समझ में आया। ऐसी अंतर में दृष्टि करना कि मेरे आहरे नहीं, तो देह कहां से आया मेरे, मैं निशांक अनाहारी आत्मा चिदानंद स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव करना उसका नाम धर्म। हाँ कैसे हो सकता है, जिससे उसके देह की शंका की जा सके, ले समझा ने, देहो तस्य आद्येन देहो शंकते कसम माना आहारकम शंकते, आहार नथी तो मेरे देह कहां से शंका होती, भगवान तुम तो चिदानंद भगवान होने, भगवान में देह कहां से आई, देह तो जड़ है, माटी का पिंड है, पुद्गल है, तो पुद्गलास्ति का है, तो आत्मा में पुद्गलास्ति का है, कहां से शंका हुई तेरे, कहते हैं
मेरे पैसा मेरा दीकरे आयो दीकरो बहु सारो आयो क्या थी आयो तारे क्या तो तारा मां છોકરા ક્યાં કોના જતા રહી એ તો એના છે હેરાય મોટો બહુ આમ કે બાપુ નાનો અરે અરે કે છે નાનો મોટો છોકરો તો એનો છે કે આપવાનો છે ભાઈ ભગવાન તું ચૈતન છો ને તો અજીવ તો તેરે કાંસે આયા ઓર દૂસરા જીવ હૈ વો ભી તેરે મેં કાંસે આયા તેરા કાંસે આયા આ જીવ મેરા હૈ આ દીકરા મેરા કાંસે આયા તુમ તો આત્મા હૈ દૂસરા ભી આત્મા ભિન્ન હૈ તો દૂસરા ભિન્ન આત્મા તેરે મેં કાંસે આ ગયા निसंदेह हो गया ने मैं तो देह रहित अनाहार चैतन्य मूर्ति में हूँ आहार छोड़ो अरे आहार छोड़ दो मृत्यु का समय आया कौन छोड़े छूटने लायक छूट गया नैने रोग रह गया छूटने के जैसे वाह वाह समझ आया भाई आहार छोड़ो शरीर को क्रश करो और संलिप्त करो भगवान कहते हैं भाई भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश और आनंद आदि शक्ति का पिंड है ऐसा अंतर में जहाँ दृष्टि किया और लीन हुआ तो बस जो लेने की तो चीज आ गई और छूटने की उसमें लीन हुआ तो छूटने की राग आदि छूट गया नवीन कार्य क्या रहा कहे कार्य नवीन करना है संसारा करना है नार छोड़ना कहाँ रहा एम कहते हैं ये थे भाई पता वो कबर में जो आओ तुम अर्थे भगवान आत्मा अपने में लीन हुआ राग छूट गया बस वो संसार हुआ संलिखना हुई यार आर छोड़ो पत्थर किसका गलत काम करना मेरे में है ही नहीं है अंदर थी स्थिरता ज्ञान को दे ही नहीं सकती क्योंकि उसके कर्म नौकर्म आ रही नहीं है भगवान आत्मा अमूर्त प्रभु उसकी जहाँ तत्व दृष्टि हुई तो तत्व दृष्टि में आहार मेरा है शरीर मेरा ऐसा रहते ही नहीं और हमें मेरे आहार का त्याग करना है संसारा करना है शरीर छोड़ना और ज्ञानी को रहते ज्ञानी को कार्य हो गया अपने स्वरूप में स्थिर हुआ नाराज छूट गया वो कार्य हो गया हमें कोई करना छोड़ना फुरना रहा उसका नाम आत्मा कहते हैं उसका आत्मा को भान है उसको क्या करना फरना त्याग करना है रहा नहीं उसका नाम आत्मज्ञान दर्शन कहते हैं